हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस स्टेप में हमें ध्यान रखना है जिससे स्टेप हमारा आसान हो जाए। और इसमें ये मत सोचना कि सर हमारे नंबर कट जाएंगे क्या। नहीं, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टीचर जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है वो आधे पेज में हो जाता है और आप करते हो तो वो एक पेज में होता है। इसका रीजन ये, कहीं ना कहीं आप स्टेप को थोड़ा लेंथी कर देते। तो इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते और वो कुछ स्टेप ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज शॉर्ट ट्रिक ना समझे इसको, इसको ये समझे कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे इस क्वेश्चन में आपने बहुत देखा होगा कि आपसे स्कूल में भी बोला गया होगा और मैंने भी कई बार बोला कि इक्वल रूट्स का क्वेश्चन जब भी सब्जेक्टिव पेपर होता सीबीएसई वाले देते ही देते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स तो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। आप करते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ये लिखते हो आप इक्वल रूट्स में, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, आपने लिख दिया। फिर आप डिसाइड करते हो ए बी सी क्या है, तो आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो आपका ए होता है, एक्स का कोफिशियंट। एक्स को छोड़ दो, अब यहाँ पे किसी किसी को बी देखने में दिक्कत होती है, तो मैं ऐसा करा करो एक्स को छोड़ दो, बाकी जो है वो सब बी है। तो एक्स को छोड़ दिया तो जो प्लस के बाद यहाँ पे जो लिखा है, यानी ये तुम्हारा बी है, बी है टू टाइम्स के माइनस ट्वेल्व, और सी तुम्हारा क्या होता है एक्स के बाद होता है, तो सी तुम्हारा टू है। चलिए अब ये सब पुट करते हैं इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन में। तो टू ब्रैकेट के माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर माइनस फोर ब्रैकेट में के माइनस ट्वेल्व इंटू सी इक्वल टू जीरो, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे मैं बताता हूँ, आप क्या करते हैं, वो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k माइनस का 24 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी फंस जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें 4 2 या 8 लिख के और नेक्स्ट स्टेप में 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी अगर आपने ये मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई किया। तो आपको इस स्टेप से बचना है। तो क्या करना है, ध्यान रखना अगर बी वाले में, बी में अगर कहीं भी टू आ जाए, और मैं बता दूं मोस्टली क्वेश्चंस चाहे आप कोई सी भी बुक यूज करना उसमें आप देखोगे बी के साथ ज्यादातर टू होता है। मैं ये नहीं कहूंगा हर क्वेश्चन में होता है, काफी बार आप ऐसा देखोगे बी के साथ टू होगा, और तुम्हें पता है कि टू का स्क्वायर क्या होता है फोर होता है, होता है ना फोर। और एक चीज हमें और पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें भी फोर है। तो आप बताओ जब इस 2 का स्क्वायर 4 आने वाला है और यहाँ पे भी 4 है, तो हमें पता है कि यार ये एक इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, तो पूरी इक्वेशन में हम 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है ना, ये आपकी कैलकुलेशन है जिसको आप इजी कर रहे हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी 2 आ जाए बी के साथ, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, आप ऐसे करना 2 का स्क्वायर 4 के माइनस 12 का होल स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो इक्वल टू जीरो, और नेक्स्ट स्टेप में आप फोर से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस फोर से यहां भी और यहां भी डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपकी क्या बन जाएगी के माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर माइनस ये फोर डिवाइड हो गया तो माइनस साइन बचा और ये के माइनस ट्वेल्व बचा इंटू टू बचा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक चीज और याद रखें, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देख लिया करो कि जब इस स्टेप तक पहुंच गए हो तो कहीं कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, जितना कॉमन मिल रहा है ले लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर दो टर्म्स हैं उनमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो कॉमन, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ पे के माइनस ट्वेल्व अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो ब्रैकेट में आएगा के माइनस ट्वेल्व और ये कॉमन लिया तो यहां पे ये कॉमन चला गया बाहर, ये टू बचा तो k माइनस ट्वेल्व और यहां पे आ गया k माइनस फोर्टीन। तो अगर आप एक बार इसको जीरो करो एक बार इसको जीरो तो k की 12 आ जाएगी और एक 14। हालांकि अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे आपको पता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है, आपको बताया गया होगा कि क्वाड्रेटिक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो अगर आपने k की वैल्यू 12 रख दी यहाँ पे तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर 12 नहीं हो पाएगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 14 होगा, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 14। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कहाँ से देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया।
हो सकता है कुछ बच्चे बहुत लेंदी कर देते हो इस क्वेश्चन को, तो आप देख लो आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, कहाँ से आप लेंदी करते हो, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, एक और इसमें लिखा है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्सडे को शाम को 7 बजे लेक्चर है, इसमें हम सब कुछ करने वाले, वन शॉट वीडियो, पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक परफेक्ट लेक्चर वन शॉट के जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, टाइम का ध्यान रखना और इसमें सेट रिमाइंडर कर लेना, ठीक है। और साथ के साथ मान लो आप ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये ट्रैकर है, मतलब ये एक सीक्रेट फोल्डर है क्लास 10 का, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। आपको सिंपल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, आपको मिल जाएगा, ट्रैकर पे क्लिक करना, तो मैंने टर्म 2 में जितने भी लेक्चर जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये नहीं कि सीबीएसई की अपडेट क्या है, वो सब नहीं, सिर्फ पढ़ाई वाले, जैसे टर्म 2 13 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फिर हमने 17 को एक शॉर्ट ट्रिक डाली, आरडी शर्मा जक का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन डाला 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, अब जो भी लेक्चर आते जाएंगे ऐसे इसमें चलते जाएंगे, आपकी टर्म 2 एक परफेक्ट, मतलब जैसे होता है ना कि हम कोचिंग में कई बार लेट इनरोलमेंट होता है तो हम सोचते हैं यार हम पुराना कैसे कवर करें, आप आराम से स्पीड बढ़ा के सारे वीडियोस देख सकते हो, और असाइनमेंट तो आपको सब कुछ इसमें है ही, अगर फोल्डर को देखोगे तो फोल्डर में ऑलरेडी सारी चीजें हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे फिर तुम्हारा सैंपल पेपर, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा इसमें। अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो मार्क्स बूस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला बुकलेट सब अपलोड हो गया एक एक चैप्टर का, बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसी को देख लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी देखो अब तुम्हें क्या, अब तुम्हें जब भी क्वेश्चन ये वाला मिलेगा ना बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी, तुम सबसे पहले पता क्या देखोगे कि एक्स के साथ क्या है, ये एक्स है ना, देखो यहाँ पे भी 2 है, पकड़ में याद रखना कि 2 है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, पहले तो एबीसी डिसाइड कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 1 है, तो ए 1 हो गया, बी कैसे देखें, अब बी कैसे देखते, एक्स को छोड़ दो, बाकी जो लिखा है सब लिख दो, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, एक्स को छोड़ दो, ब्रैकेट है 1+3 के, ब्रैकेट है 1+3 के, यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक एक्स का कोफिशियंट माना जाएगा, ये बाकी सी है, तो सी है 7 ब्रैकेट में 3+2 के, ठीक है। अब आप इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी कितना है -2 ब्रैकेट 1+3 के, अब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, माइनस का 4, ए आपका 1 है, सी आपका 7 × 3+2 के इक्वल टू 0। अब गलती से भी कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि 7 × 4 28 कर लिया, फिर 28 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ना बाबा ना, ये नहीं करना है, क्या करना है, माइनस 2 का हमें पता है होल स्क्वायर क्या आने वाला है 4, और इसका होल स्क्वायर लिख लो, यानी 1+3k का होल स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस का 4 × 7 ब्रैकेट में 3+2k लिख लो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, 4 से कर दो डिवाइड, 4 से कर दो डिवाइड, तो ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, बचा 1+3k का होल स्क्वायर, यहां से 4 चला गया तो बचा -7 ब्रैकेट में 3+2k इक्वल टू 0। अब यहां से x के k की निकाल लो, आंसर आ जाएगा, निकाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। मेन पर्पज है आपको ये समझाना कि यहां से कैसे आसान करना है, अदरवाइज पता है 4 का मल्टीप्लाई तुम सोचो इसमें करते हो होल स्क्वायर पे कितना बड़ा हो जाता, और ये 28 का मल्टीप्लाई करते कितना बड़ा हो जाता, इसी में आप कम से कम 1-2 मिनट बर्बाद कर देते, कम से कम 1-2 मिनट, तो ये टाइम आपको बचाना है, ठीक है। और मैं बारा बोल रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपके लिए मतलब स्टेप कहाँ पे आप लेंदी कर रहे हो, जो जिसका कोई नंबर नहीं होता है वो है वो, ठीक है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² + 2ab यानी 6k माइनस का 21 और माइनस का 14k इज इक्वल टू 0, तो 9k², ठीक है, ये 9k² हो गया, 14 और ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8, तो माइनस का 8k और 21 है और ये 1 है तो माइनस का 20। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, k निकाल लेना, तो ये पर्पज इस वीडियो का ये तो नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेशन है, तो ये आप तो कर ही लोगे, 20 × 9 = 180 होता है, 180 से 8 लाना है तो 10 × 18 ले लेना, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलो कर ही दूं पूरा, तो वैसे हो ही गया ऑलमोस्ट, कर ही देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 9k² और 8 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 18k प्लस का 10k, माइनस का 20 इक्वल टू 0, 9k कॉमन मिला तो k माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 10 कॉमन लिया k माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 9k प्लस 10, तो एक बार इसको 0 कर दो तो k 2 आ जाएगा, एक बार इसको 0 कर दो तो k आ जाएगा माइनस का 10/9, तो इस तरीके से ये दो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं
दमदार शॉर्ट ट्रिक के लिए। शॉर्ट ट्रिक से पहले एक और चीज है, आपने देखा होगा कोई रेफरेंस बुक अगर आप देखते हो उसमें लिखा रहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो कंफ्यूज मत होना, परफेक्ट स्क्वायर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि भैया इक्वल रूट्स ही बोला गया। क्या बोला गया है? कि ये इक्वल रूट्स ही है। ठीक है, क्या है? इक्वल रूट्स है। और इस क्वेश्चन में आपको देखो ए बी सी डिसाइड करना है, तो ए आपका है 4 माइनस के और बी पता क्या है 2k प्लस 4 और सी तुम्हारा क्या है 8k प्लस 1। अब मैं इसको सॉल्व भी करूंगा लेकिन एक चीज समझाऊंगा, मैंने आपसे क्या बोला है बी में सबसे पहले ये देखो 2 आ रहा है क्या, अगर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये डायरेक्टली नहीं देखा लिखा हुआ है तो क्या हम बी को थोड़ा चेंज कर ले, 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा के प्लस 2, आ गया 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब करके देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 होता है छुपा होता है कहीं इधर उधर, उसको ढूंढना है, अगर मिल जाता है तो आपकी कैलकुलेशन 101% परफेक्ट हो जाएगी, आसानी से कर पाओगे। आप कमेंट सेक्शन बताना क्या आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ आप जब क्वेश्चन करते थे ये यहाँ पे फंसते थे, यहाँ पे दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कहाँ पे आप फंसते हो, जो मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कहाँ लेंथी करते हो, वो चीजें मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और इन चीजों पे लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती है एक, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बड़े आराम से कर पाओगे। जैसे मान लो कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहा है, कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, कोई बच्चा एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों को काफी हेल्प होने वाली इस क्वेश्चन में। तो लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो हम लोग तुरंत ही क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाते हैं। बी यहाँ पे सी माइनस ए है तो सी माइनस ए रखोगे, 4a यहाँ पे बी माइनस सी है, बी माइनस सी ए माइनस बी, इसको पूरा सॉल्व करोगे फिर प्रूफ हो जाएगा। वो तो एक ये तो हो गया सिंपल, मतलब जैसे करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन एक अप्रोच दूसरी है। वो अप्रोच क्या समझना, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस माइनस का काफी खेल है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रही है, एक बार ए नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है, एक बार सी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव, एक बार बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अच्छा, इसका क्या कहने का मतलब है? चलो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर दी इस क्वाड्रेटिक में, देखते हैं क्या आता है। तो 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो फाइनली यहाँ पे बी माइनस सी आएगा, यहाँ पे एक्स को 1 रखा तो फाइनली सी माइनस ए आएगा और यहाँ पे ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या 0 आ गया और आर एच एस भी इसकी 0 है। तो अगर कोई एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो क्या वो उसका रूट होता है, यस और नो बताओ, मानते हो कि नहीं कि अगर कोई एक्स की वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करती, सेटिस्फाई का मतलब कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू वन इज अ रूट, मतलब 1 जो है वो इसका क्या है, एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट है, क्या है, रूट है। और अगर ये रूट है तो आप बताओ इसमें इक्वल रूट लिखा है, सॉरी इसमें क्या लिखा है, इक्वल रूट, इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर एक 1 रूट है तो दूसरा भी रूट क्या है, 1 ही है। समझ रहे बात को, फिर से समझो बात को, मैंने एक रैंडमली हिट एंड ट्रायल से एक्स के लिए 1 पुट करी और देखा कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 इसका रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। यानी अगर अल्फा 1 है तो बीटा भी क्या है, 1 ही है। आई बात समझ में आ रहा ना, समझ में? अच्छा जी, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है ए माइनस बी और ए कितना है बी माइनस सी, आंसर आ जाएगा अल्फा 1 बीटा 1 ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, बस एक स्टेप में अब आपका आंसर आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो बी को इधर लाए तो 2b हो गया, सी को इधर लाए तो ए प्लस सी हो गया। क्या हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया? ये एक डिफरेंट अप्रोच है जिसको शायद से आपने नहीं देखा होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 1 हमने सेटिस्फाई करके देखा तो हमें पता लगा एक रूट है। ठीक है, फिर आपने दूसरा रूट भी 1 ही मिलेगा क्योंकि इक्वल रूट है। अब आपने अल्फा इनटू बीटा लगा दिया सी अपॉन ए जो पॉलीनोमियल में यूज करते थे और उससे आपका आंसर आ गया। तो आपको काफी हेल्प मिली इस क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में प्लस माइनस का जिसमें होगा काफी हेल्प मिली। आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आया होगा और आपको बहुत चीज सीखने को मिली होगी।
ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना जिससे कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।